मेरिट में आए हो और कैसा महसूस हो रहा है शिवानी? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे ज़्यादा आई थिंक मेरे पेरेंट्स को खुशी हो रही होगी इस समय। क्या करते हैं पापा जी आपके? पापा जी सब्जी का ठेला लगाते हैं। तो कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है स्टडी में कि आपको घर नहीं, में हेल्प करनी हो? नहीं दिक्कत नहीं आई, मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, कुछ नहीं करने देती थी मुझे वैसे तो, सब वही करते थे। स्ट्रेटेजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ते थे? स्ट्रेटेजी ये थी कि सब सब्जेक्ट को मुझे टाइम देना था, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो या इंग्लिश, सभी सभी को देना था, तो मैंने सभी को दिया, तो 5 to 6 आवर्स हो जाता था। तो अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आगे फ्यूचर प्लान्स ये है कि एक गवर्नमेंट बहुत अच्छी जॉब चाहिए है। आई वॉन्ट टू बी अ कलेक्टर एंड फॉर दिस आई हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट एंड आई विल डू इट। फर्स्ट क्या करेंगे? मम्मी ने बताया कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद कलेक्टर आईएएस की प्रिपरेशन। इंजीनियरिंग एक्चुअली इंजीनियरिंग एक गोल है, मतलब उसके जरिए भी मुझे मैथ साइंस ही सिलेक्ट करना है, तो इंजीनियरिंग करके ही मैं अपने जो गोल है उसको हासिल करूंगी। कोई और ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत जरूरी है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी सब्जेक्ट को एक जैसा समझें, ये ना समझे कि या हिंदी इजी है या इंग्लिश। मुझे ऐसा लगता है कि सब एक बराबर है, यदि हमें पढ़ना है तो मैथ्स को भी बराबर पढ़ते हैं, साइंस को भी, तो फिर हमें हिंदी और इंग्लिश को भी बराबर टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जब रिजल्ट आता है तो हमें ये पता चलता है कि उनमें ही सबसे कम मार्क्स हैं, तो हमें सब पे फोकस करना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अपने साथियों के लिए कोई मैसेज जो सक्सेस नहीं हो पाए? नहीं नहीं नहीं, सभी सक्सेस है, मेरी फ्रेंड है खुशी, नैन्सी, अनुष्का, फरीन, प्रतीक्षा, ये बहुत अच्छी है सच में, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस।